इंडियन आइडल दोस्तों एक ऐसा शो जिसने कई आम लोगों को सितारा बनाकर उनकी जिंदगी बदल दी। जिसने भी इस शो में पार्टिसिपेट किया वो कभी भी खाली हाथ नहीं गया। जी हाँ दोस्तों, यहाँ से कोई विनर बनकर ट्रॉफी ले जाता है तो कोई ट्रॉफी ना जीतकर भी शोहरत, नाम, पहचान और फेम पा लेता है। वहीं दोस्तों इस लिस्ट में कुछ कंटेस्टेंट्स ऐसे भी हैं जिन्होंने इंडियन आइडल की ट्रॉफी तो जीती लेकिन इंडस्ट्री में धाक नहीं जमा पाई। और दोस्तों इन्हीं में से इंडियन आइडल सीजन 3 के विनर प्रशांत तमांग भी हैं, जो साल 2007 में शो के विनर तो बने लेकिन आज गुमनाम हैं। जी हाँ, दिल में सिंगिंग का जुनून लेकर इंडियन आइडल के मंच पर आए प्रशांत तमांग का जन्म दार्जिलिंग शहर में हुआ था। उनकी सही चल रही लाइफ में एक भूचाल तब आया जिस वक्त वे पढ़ाई कर रहे थे और उनके पिता का साया उनके सर से उठ गया और उन्हें बीच में ही स्कूल छोड़ना पड़ा। जी हाँ, बता दें दोस्तों प्रशांत के पिता पुलिस में नौकरी किया करते थे, इसलिए उनके गुजरने के बाद प्रशांत तमांग को भी कांस्टेबल के तौर पर कोलकाता पुलिस में नौकरी मिल गई। दोस्तों उनके पास अब नौकरी तो थी लेकिन उन्हें गाने का शौक था और इस शौक को पूरा करने के लिए प्रशांत पुलिस ऑर्केस्ट्रा में गाने लगे। बस यहीं से प्रशांत की सिंगिंग की जर्नी शुरू हो गई, जिसके बाद उन्हें इंडियन आइडल सीजन 3 में आने का मौका मिला और दोस्तों अंत में वे शो के विनर भी बने। जी हाँ, शो जीतने के बाद उनकी चर्चा तो खूब हुई लेकिन उन्हें पॉपुलैरिटी नहीं मिल पाई। उन्होंने कुछ फिल्मों के लिए गाने भी गाए लेकिन अब इंडस्ट्री में दिखाई भी नहीं दे रहे हैं। तो दोस्तों ये थे सिंगर प्रशांत तमांग, जिन्होंने पुलिस की नौकरी छोड़ शो तो जीता लेकिन कहीं गुमनाम हो गए। जी हाँ, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब नाउ।